बड़ी अपडेट, ग्रेटर नोएडा में पालतू जानवरों का अब पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। नहीं करने पर 2000 का जुर्माना लगेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मित्रा ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पालतू जानवरों के वैक्सीनेशन की भी जानकारी इस पर साझा करनी होगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां ग्रेटर नोएडा में पालतू जानवरों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, क्योंकि अब इस तरह से अगर बात की जाए तो कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और पालतू जानवरों को लेकर, और अगर इस बीच बात करें तो कुत्तों के भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिससे लोगों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब ग्रेटर नोएडा में पालतू जानवरों का जो पंजीकरण है वो करना अनिवार्य होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव त्यागी लगातार बने हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। शिव, क्या जानकारी मिल पा रही, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि पालतू जानवरों का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया जाएगा। एनिमल पॉलिसी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पहले ही लागू की थी, लेकिन उसको सही तरीके से वो चले उसको लेके कोई अमल नहीं किया गया था। काफी जद्दोजहद के बाद अब दोबारा से जो पालतू जानवर हैं उनको पालने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इसको लेके, क्योंकि तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो मित्रा ऐप जो प्राधिकरण का ऐप है उसको यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि आगे उसको लेके सर्कुलर बनाया जाएगा किस तरीके के उसमें नियम होंगे इन सब चीजों को लेके यहाँ पे प्राधिकरण ने रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है। अगर इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो जब प्राधिकरण की तरफ से अभियान चलाया जाएगा, चाहे वो हाई राइज सोसाइटीज हो या सेक्टर्स हो, और उस दौरान अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया तो ऐसे में उनके ऊपर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वही जो पालतू जानवर है उनके बारे में जानकारी भी रहेगी कि आखिर ग्रेटर नोएडा में कितने पालतू जानवर है। वही दूसरी तरफ जो उनका वैक्सीनेशन है उसकी भी जानकारी यहाँ पे देनी होगी। तो कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा में जिस तरीके से हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोग इन दिनों डॉग बाइट्स के मामलों से काफी डरे हुए हैं, क्योंकि आए दिन डॉग बाइट्स के मामले यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अब जो जो सोसाइटीज के अंदर रहने वाले लोग हैं वो कम से कम उनको इस बारे में जानकारी होगी कि सोसाइटी में कितने पालतू जानवर हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं जिनको पाला गया है, वही वैक्सीनेशन कितने लोगों का डॉग यहाँ पे लोगों के द्वारा यहाँ पे करवाया गया है पालतू जानवरों का, तो तमाम जानकारी इस पर उपलब्ध होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो विवाद है डॉग फाइट्स का देखने को मिलता है वो कम होगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शिव बहुत शुक्रिया आपका।